चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कल जैसे बेटा हम जो इनइक्वालिटी देख रहे थे ना, उन इक्वालिटी को अपन पेपर पे कैसे प्रेजेंट करें, पेपर पे कैसे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं बेटा यहां पर, कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर और इधर बोला गया है कि सॉल्व 3x-7 > 0। ओके, कल हमने अच्छे से क्वेश्चन किए थे। इसमें हम कैसे करते थे कि सर ये हो गया 3x > 7 हो गया सर, और सर ये हो गया x > 7/3। इसका मतलब सर x की वो वैल्यू जो 7/3 से बड़ी है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे हम रियल लाइन बनाते थे बेटा, रियल लाइन पे हम चेक करते थे 7/3 यहाँ पे होगा और यहाँ पर एक ओपन बॉल यानी ओपन इंटरवल, क्योंकि 7/3 मुझे कंसिडर नहीं करना, तो राइट हैंड साइड में इस तरीके से जाते थे। तो उसको लिखने का तरीका कल हमने देखा था बेटा, कैसा था, कुछ सारा था कि 7/3, ∞ ओपन इंटरवल। अच्छा, नाउ अब इसी चीज को, जैसे इस फंडे को बेटा हम पेपर पे कैसे प्रेजेंट में करूं, पेपर में मैं इसको कैसे दिखाऊं, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं अभी। तो देखो, आपने देखा x 7/3 से बड़ा है, समझना बात को अच्छे से। तो मैंने पेपर मतलब हम 2D में बात करेंगे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हमारे पास 2D होती है, 2D, टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वॉट योर वाई एक्सिस। हाँ सर, ये तो हम बचपन से जानते हैं और बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए। अच्छा बेटा, x इक्वल टू यहां पर एक पॉइंट होगा, जो पॉइंट है लाएगा अपना 7/3। सही बात है, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7/3 अगर बेटा एक लाइन बनाएंगे आप, तो ऐसी लाइन बनेगी दिखने में, इस तरीके की लाइन बनेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 7/3 से बड़ा पोर्शन, 7/3 से बड़ा पोर्शन कौन सा है बेटा? अरे सर, राइट हैंड साइड वाला है। 7/3 से बड़ा पोर्शन कौन सा है? तो क्लियरली कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है, देखो आप, क्योंकि आप यही तो देख रहे हैं कि एक्स की वो वैल्यू जो 7/3 से बड़ी है, तो ये पूरा पोर्शन आ गया ये वाला। तो दिस इज योर रीजन, ये पूरा रीजन आ गया ये वाला जो भी है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अब इन्हीं चीज को पेपर पे प्रेजेंट करना सीखेंगे, ताकि हमारे लिए फ्यूचर में जब हम कुछ छोटी छोटी चीजों पे काम करते करते देखेंगे, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना। तो अब हम चीजों को पेपर पे प्रेजेंट करना सीखेंगे कि हाँ भाई पेपर पे किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2D में इस लाइन का मतलब ऐसा हो गया, 2D में आप इस चीज को ऐसा लिखेंगे। क्लियर है कहानी यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बेटा यहां पर बोल सकते हैं कमेंट करके, मैं आराम से, क्योंकि हम लोग जब बेटा तुम्हें सिखाने के लिए बैठे हैं, तो टारगेट ये होना चाहिए कि जब तक आपके माइंड में कोई कहानी सेट ना हो, तब तक आपको हाँ मत बोलो और मेरे साथ उस चीज पे हम बात कर सकते हैं। गॉट इट? इतनी कहानी पकड़ में आ गई हर बच्चे को। अब हम क्या करेंगे, अपनी इनइक्वालिटी को पेपर पे डालेंगे कि भाई इसको मैं कॉपी पे कैसे लिखूंगा। मैथमेटिकली तो लिख लिया मैंने, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कॉपी पर भी लिखना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा बेटा, जैसे इसी तरीके से ड्रॉ द ग्राफ y > 2-2, इसका ग्राफ पे ड्रॉ करो, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो। चलो भाई बच्चों आ जाओ। तो नाउ ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y > 2-2। और बेटा इसका मतलब ये हो गया कि और हम कैसे कर रहे हैं कि नाउ प्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट y > 2-2। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें सर आप हमसे कर रहे हैं, हम बच्चे तो है नहीं भाई, बात तो सच है। देखो यहाँ पर दिस इज वॉट योर वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, और सर ये कौन सी लाइन है? सर ये y = गलत लिख लिया, हाँ यहाँ पर नीचे आएगा कुछ, y = -2 लाइन ऐसी होती है बेटा, गौर से देखो, -2 लाइन ऐसी होती है। अब ये क्या कह रहा है कि y की वो वैल्यू जो -2 से बड़ी है, y की वो वैल्यू जो -2 से बड़ी है, तो कैसे जाएगा ग्राफ? ऊपर की तरफ चलेगा ना, मतलब कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे आप? अरे सर ऑब्वियस सी बात है, ये वाला रीजन सेलेक्ट होगा, ऊपर वाला पूरा, ये पूरा रीजन आ जाएगा जो भी आएगा, क्योंकि -2 से बड़ा तो ऊपर ही चलेगा ना, ऊपर की तरफ। तो दिस इज योर रीजन, दिस इज योर रीजन, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो भी है।
तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस टू से ऊपर का पूरा पोर्शन, गॉट इट। ये चीजें बेटा हमें एरिया निकालने में आगे के कुछ चैप्टर्स जो है उनमें बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है, तो क्यों ना इसको थोड़ा थोड़ा अभी से सीखने की आदत डाली जाए। क्लियर है कहानी यहां तक बेटा? किसी बच्चे को किसी प्रकार का इशू, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो पूछ लो मुझे। अरे यार बच्चों मैथ्स का स्वाद लो यार, जब तक आप स्वाद नहीं लेंगे ना चीजों का तब तक मजे नहीं आएंगे। स्वाद लो खतरनाक तरीके से, फील करो इसको एक अच्छे ढंग से, तभी कहानी सेट हो पाएगी। अच्छा अब देखो दूसरी बात, नाउ प्रेजेंट या प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड वाई लेस देन और इक्वल टू थ्री, साइमल्टेनियसली दोनों को पेपर पे कैसे प्लॉट करें। ठीक है सर कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले सर पेपर बनाओ, पेपर मतलब सर 2D, टू डायमेंशनल, हम जो भी काम करते हैं मैथ्स को लेकर वो टू डायमेंशनल करते हैं, मतलब अपनी कॉपी पर, कॉपी को मैथ्स के अंदर 2D बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ सर पता है अच्छे से, दिस इज वॉट योर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एक्स इक्वल टू टू लाइन तो यहां पर कहीं होगी, ये होगी सर x इक्वल टू टू लाइन, क्योंकि ये पॉइंट हो गया 2,0, तो दिस इज व्हाट योर x इक्वल टू टू, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा y इक्वल टू थ्री लाइन बेटा यहाँ पर कहीं होगी इस तरीके से, दिस इज व्हाट योर y इक्वल टू थ्री लाइन, ये पॉइंट होगा y एक्सिस पे 0,3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई अब बात आती है आपकी, अब बात आती है जैसे इसने बोला है कि x की वो वैल्यू जो 2 से बड़ी है, x की वो वैल्यू जो 2 से बड़ी है, इसका मतलब 2 का राइट हैंड पोर्शन पूरा ले लो आप, तो कौन सा रीजन हो गया, यही तो रीजन हो गया। देखो आप गौर से, दिस इज योर रीजन, 2 के बाद पूरा रीजन हो गया बेटा इस तरीके से, पूरा रीजन आ गया कि नहीं आ गया, ये रीजन आ गया 2 के बाद पूरा, सही बात है, समझना बात को अच्छे से बेटा। अच्छा इसका मतलब y की वो वैल्यू जो 3 से छोटी है, y की वो सारी वैल्यू जो 3 से छोटी है, मतलब 3 लाइन से नीचे का पोर्शन पूरा, तो सर इसमें ये वाला पोर्शन आ गया, समझना बात को अच्छे से, इसमें बेटा ये वाला पोर्शन आ गया नीचे पूरा, 3 से नीचे का पोर्शन। तो अब मुझे गौर से बताओ, अच्छे से देख के बताओ, वो कौन सा पोर्शन है, वो कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है, साइमल्टेनियसली है, कॉमन पोर्शन कौन सा है? देखो बेटा ये कॉमन पोर्शन ये वाला बनेगा, गौर से देखना आप, ये वाला बनेगा कॉमन पोर्शन यहां पर और ये वाला पोर्शन, यही तो कॉमन पोर्शन ये वाला, ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा जिसकी दो साइड नहीं है, मतलब ये पोर्शन बनेगा पूरा ये वाला कॉमन, तो दिस इज योर कॉमन पोर्शन। ये हम जब अपने फ्यूचर में कुछ स्टडी करेंगे, लाइक आप जैसे किसी बीटेक करोगे किसी अच्छी आईआईटी एनआईटी से, तो वहां पर आप जो प्रोग्रामिंग जो वर्ड होता है उसमें ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं, कि आप पेपर पे चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है इसका, इससे क्या है ना बेटा धीरे धीरे हमें ग्राफ की फीलिंग आ जाएगी, धीरे धीरे हम अपने फंक्शन को, हम अपनी चीजों को पेपर पर लिखना सीख जाएंगे क्या इसका मतलब क्या है, तो दिस इज योर कॉमन रीजन। ठीक है बेटा ये आपका पूरा कॉमन रीजन हो गया, ये वाला कॉमन, कहानी पकड़ में आई बेटा अच्छे से, कहानी पकड़ में आई? तो अब इनइक्वालिटी को मैं पेपर पर भी प्रेजेंट कर सकता हूं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत यहां पर बिल्कुल नहीं है भाई साहब। अच्छा अब इसी के चलते बेटा, इसी के चलते हम अब थोड़ी सी एंट्री मारते हैं एक अच्छी जगह पर, वो देखते हैं। हाँ पीयूष भाई बेटा हेलो, चलो देखो नाउ अब जो आपके काम की बात आती है उसको देख लेते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, समझना बात को, टू वेरिएबल। अब तक बेटा हम क्या कर रहे थे, सिर्फ वन वेरिएबल पे काम कर रहे थे, अब टू वेरिएबल पे काम करेंगे हम लोग, अब किस पे काम करेंगे, टू वेरिएबल। अब तक हम वन वेरिएबल पे काम कर रहे थे, अब किस पे काम करेंगे, टू वेरिएबल पर, समझना आप इस अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को।
जैसे आपने बचपन में खूब अच्छे से कुछ छोटी छोटी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं बेटा कि 2x - 6y और +7 विच इज इक्वल टू 0, आप इसको अच्छे से जानते हैं क्या? हाँ सर, हमें अच्छे से पता है, जब 8th क्लास में हम थे तब इनको हम पढ़ते थे। तो देखो बेटा यहाँ पर कितने, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, वेरिएबल जो वर्ड है ना, इस वेरिएबल वर्ड को समझते हैं पहले। वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरिएबल वर्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी आजादी है चीजों को डील करने के लिए। जैसे बेटा इस इक्वेशन में चाहो तो और सिंपल ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं x - y है ना, विच इज इक्वल टू 2, चलो इसको लेते हैं। तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि वेरिएबल है मेरे पास दो, एक का नाम है x, दूसरे का नाम है y, दो वेरिएबल है। वेरिएबल वर्ड से आप क्या समझते हैं बेटा? वेरिएबल का मतलब होता है यहां पर इंडिपेंडेंसी, मतलब ऐसी कौन कौन सी वैल्यू आप डाल सकते हैं। जैसे कोई एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने एक्स कोमा वाई की वैल्यू ना सर यहाँ पर मैंने सर ऐसी कुछ ले ली 3,1, क्या वो सेटिस्फाई करवा रहा है? देखो 3 मैन, हाँ करवा रहा है। दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मैं तो ना सर यहाँ पर 5,3 लूंगा सर, ये बात भी सही है। कोई आदमी कह रहा है कि साहब मैं तो सर यहाँ पर 11,9 लूंगा, ये भी सही है। तो अल्टीमेटली बेटा कितने पेयर्स आ गए? इनफाइनाइट पेयर वी हैव। इसका मतलब एक्स भी मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, ये भी इंडिपेंडेंट है, और वाई भी इंडिपेंडेंट है। बेटा गौर से देखो, तो वेरिएबल का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से, मतलब एक पे काम करो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे एक इंडिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि दो वेरिएबल, दो दो वेरिएबल देख रहे हैं ना, जैसे एक्स और वाई, यहां पर दो वेरिएबल है बेटा, दो वेरिएबल है मेरे पास एक्स एंड वाई। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी इनइक्वालिटी को दो दो वेरिएबल में डील करना सीखेंगे। हालांकि इसको आगे चल के बेटा हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, आगे चल के इस तरीके की फोटो को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, वो आगे की चीज है, उसको बाद में डिस्कस करने वाले ही हम सिलेबस के अंदर, डोंट वरी, इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अब हाउ टू प्रेजेंट दिस ऑन द पेपर, पेपर पे कैसे प्रेजेंट करें पहली चीज, और दूसरी चीज कल को कोई आदमी आपके पास आया और उसने कहा कि 2x - 6y + 7 > 0, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस लाइन को कैसे प्रेजेंट करेंगे पेपर पर, पेपर और 2D पर कैसे प्रेजेंट करेंगे, है ना? तो बेटा दो दो वेरिएबल में चीजें कैसे डील होती हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है? चलो समझना बात को अच्छे से। पहले सिर्फ अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल एक ही वेरिएबल था अपने पास, एक्स एक्स था। अब एक पिक्चर में वाई की एंट्री और हो गई, दूसरा वेरिएबल एंटर हो गया बेटा अब, ठीक है? तो नाउ अब इनइक्वालिटी देखेंगे हम कि भाई दो वेरिएबल के साथ इनइक्वालिटी को कैसे डील किया जाए। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले मैं तुम्हें देता हूं, इसी एग्जाम्पल से सारी चीजों को दिमाग में रखने चलेंगे, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। 2x + 3y - 6 = 0, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है? इस पे काम करते हैं पहले। तो 2x + 3y = 6, अच्छा इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, मतलब ये दिखने में कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, पहले तो उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातें हम जानते हैं कि सर जब एक्स की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, तो इसका मतलब सही है 0,2 से पास होगी। देखो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की 2, सही बात है। और जब वाई की 0 ना तो एक्स की 3 आएगी बेटा, हाँ सर 3,0। कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा तो ये लाइन दिखने में कैसी होगी, ये लाइन कुछ ऐसी निकल के जा रही होगी इन दोनों पॉइंट्स के जैसे, है ना? तो दिस इज व्हाट, ये कौन सी लाइन है आपके पास, ये है 2x + 3y - 6 = 0। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं करा, केवल बच्चों वाला गेम खेला है, जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं वो सब हम करने वाले हैं यहाँ पर, वही कर रहे हैं। अच्छा बेटा अब प्रॉब्लम आती है, अब एंट्री होती है एक बढ़िया धांसू सिस्टम की। प्रॉब्लम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा कि जैसे अब कोई आपसे बोल रहा है कि सॉल्व और ड्रॉ द रीजन टू एक्स प्लस 3y - 6 > 0, इस रीजन को ड्रॉ करो, कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे?
अब आपको ये नहीं पता बेटा, आपको ये नहीं पता कि ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, अब ये जो लाइन है, ये वाला जो रीजन है, वो लाइन के ऊपर का पोर्शन है कि नीचे का पोर्शन है, मुझे ये नहीं पता बेटा, मुझे ये नहीं पता। अगर इतना पता लग गया तो मेरी बात बन जाएगी भाई, अगर इतना पता लग गया तो मेरी बात बन जाएगी, मैं ढूंढ लूंगा कौन सा रीजन है। प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रही है कि ये लाइन कुछ ऐसी थी, तो मैं ये वाला रीजन लूं कि ये वाला रीजन लूं, कौन सा रीजन मैं लूं मुझे नहीं पता लग रहा। तो नाउ हाउ टू फाइंड, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो आप, माइंड तो थोड़ा सा प्रेशर डालो, पूछो माइंड से कि भाई कौन से रीजन को सेलेक्ट होगा, कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा, कैसे पता लगाएंगे, ऊपर वाला अपर वाला कि डाउन वाला बेटा, कमेंट करके बताएं, सोच के आंसर दें, कोई दिक्कत नहीं। जब तक इसको फील करके नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक इसकी फील मिलेगी भी नहीं तुम्हें, तो सोच समझ के आंसर करो इसका जल्दी। कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा, अपर वाला या लोअर वाला, अपर लोअर, अपर लोअर, ये अपर है या ये लोअर है, कौन से वाले को सेलेक्ट करेंगे हम, किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई आइडिया। यदेश कह रहा है सर अपर वाला, ओम कह रहा है अपर। अच्छा बेटा, मैं अगर आपको एक बहुत बढ़िया फंडा सोचने का बताऊं, देखो क्या होता है ना, माइंड को जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप सेट करते हैं ना, वैसे ही काम करता है वो। जैसे अगर हम एक काम कर लेते हैं, अपर से कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं, अपर से कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं, अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया तो अपर वाला सेलेक्ट होगा, अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करा तो फिर लोअर वाला सेलेक्ट होगा। जैसे गौर से देखना, समझ लेना, आप भी खुश हो जाओगे हाथों हाथ। ये देखो अब बेटा, ये थ्री है तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ली ऐसे। अब इसका गौर से देखना आप, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा थ्री रहेगा, ये बात सच है बेटा, अच्छे से जानते हैं बात तो आप, किसी भी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही रहेगा हमेशा। देखो आप अच्छे से बचपन में आपने देखा होगा, ये लाइन ऐसे खींची मैंने एक्स इक्वल टू टू, तो आप कुछ भी ले लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो टू ही रहने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट टू ही रहने वाला है, बदलेंगे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बदलेंगे। सही बात है बेटा, सही है सर। अब यहां पर मन से पॉइंट ले लो, जीरो से बड़ा कुछ भी ले लो, जैसे आपने थ्री कॉमा लाइक वन लिया, 3.1 ले लिया। अब 3.1 को चेक करके देखो, यहां पे डाल के देखो, अगर पॉजिटिव आ गया, 3.1 डालने पर अगर पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला सेलेक्ट होगा, क्योंकि 3.1 इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। हाँ सर ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं। तो 2 दिस इज व्हाट, 3 प्लस का 3 और ये 1 माइनस का 6, कितना हो गया, 6 प्लस का 3 माइनस का 6, 3, यानी 3 ग्रेटर देन 0 होता है। सर इसको सेटिस्फाई करवा गया ये तो, अच्छा, तो इसका मतलब सर ऊपर वाला पोर्शन आएगा पूरा, तो दिस इज योर रीजन। अरे सर हमें 3.1 कैसे सेलेक्ट होगा, मैं कैसे पता लगा 3.1, अरे कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा ले लो 3.5 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 3.1 1/1 करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 3 से थोड़ा ऊपर लो बस, मतलब इस रीजन में कोई भी एक मन से पॉइंट उठा लो, आप कोई मन से पॉइंट उठा लो, सेटिस्फाई करवा के देख लो, तो कौन सा रीजन आएगा बेटा, ऊपर वाला अपर रीजन। ऐसे देखो ऊपर की तरफ, तो स्वाद आ गया क्वेश्चन करके, है ना कहीं लगा कि हाँ यार रीजन सेलेक्ट करने का जो फंडा है ना, जो चीजों को हम देख पा रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं, कहानी पकड़ में आई कि नहीं बेटा। अल्टीमेटली आपका दो प्रोसेस मिल गए आपको, आपको समझने का एक फंडा मिला कि सर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओ और फिर कोई एक मन से पॉइंट लो, वो पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है जिस पॉइंट जिस, क्योंकि देखो जो पॉइंट आपने यहां लिया है कौन से पोर्शन में है, ये अपर में ही तो है, ये अपर में ही तो है, अपर वाला सेटिस्फाई करवा गया, इसका मतलब हो गया, इतना क्या सोचना है इसमें। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यार सारे बच्चों कमेंट नहीं यार, यार ये तो गलत कर रहे हैं आप लोग यार, ऐसे बात नहीं बनेगी बेटा यार। देखो मन से यार जब तक तुम मैदान में उतर के नहीं आएंगे ना यार, तो फिर फील नहीं आएगी खतरनाक वाली, बिल्कुल उतर के आओ यार, इंटरवॉल होके ऐसा लगे कि हाँ भाई चल रही कहानी सर सेट, ठीक है तभी बात बनेगी बेटा। हाँ लोकी वेरी गुड, तो सारे बच्चों को मैदान में आना पड़ेगा यार, तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो फिर मतलब वाली बात नहीं रह जाती कुछ। सोनमारी कहानी के, अब तुम्हें कमेंट करने में भी परेशानी है क्या? कई बच्चों इतने लेजी से होते हैं कि मतलब मस्ती मौज मस्ती चल रही होती है उनकी, है ना, तो ठीक है ऐसा मत करो यार, अभी पढ़ने की उम्र है, अभी तो लाइफ में करा क्या है, अभी तो सिर्फ एक पढ़ाई करनी है धनाधन, है ना, और कुछ बढ़िया जिंदगी बन जाएगी तो फिर ये बाद के काम है जो भी आप सोच रहे हैं। अच्छा चलो चलो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सर एक क्वेश्चन और करवा दो सर, ताकि थोड़ा सा सर चीजें क्लियर हो जाए। तो ठीक है बेटा, सॉल्व 3y माइनस का 5x लेस देन 30, इसको कह रहा है कि इसको पेपर पे प्रेजेंट करके दिखाओ, प्रेजेंट करके दिखाओ, इसका डायग्राम बनाओ पेपर पे कैसा बनेगा। तो कोई भी समझदार आदमी पहले इसको ढंग से लिखेगा, वो लिखेगा इसको 5x माइनस का 3y प्लस का 30 ग्रेटर देन 0। इस पूरे फंडे को बेटा मैं इधर ले गया, 5x जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का 3y, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले सर क्या करते हैं, सर आपने बताया था हमें अभी, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनाओ 5x माइनस 3y की विच इज इक्वल टू माइनस का 30, इसकी इक्वेशन बनाओ। तो इसकी इक्वेशन बनाना सर बहुत आसान काम है, बच्चों वाला गेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाते हैं सर, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। सर वाई इक्वल टू जीरो होगा, जब वाई की वैल्यू जीरो होगी बेटा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 10 माइनस का 6, देखो माइनस का 6.0 एक्स एक्सिस पर, देखो यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो डालो तो ये टर्म्स हट गया, तो 5x इक्वल टू माइनस का 30, तो x इक्वल टू माइनस 6, सही बात है सर। अच्छा बेटा y एक्सिस पर x जीरो होता है, जब x की वैल्यू जीरो डालेंगे तो y कितना मिलेगा, सर x की वैल्यू जीरो डालेंगे तो y मिलेगा आपको 10। तो आपको जो भी लाइन आपकी जाएगी बेटा कुछ इस तरीके से निकल के जानी चाहिए। सर ये आपकी लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है 5x माइनस का 3y और प्लस का 30 इक्वल टू 0। चलो अब अपनी समझदारी से मुझे बताओ कि ये अपर वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा कि नीचे वाला होगा इसके लिए। चलो देखते हैं कितना आप सोच पा रहे हैं, कितना आप सोच पा रहे हैं, जल्दी बताएं मुझे। अब तुम बोलोगे सर आप जो पॉइंट लेते हैं ना सर वो थोड़ा क्लिक नहीं हो पा रहा, पॉइंट कैसे ले, कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई करें। बेटा कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां से उठवाना चाह रहे हैं आप, अब जैसे एक लाइन खींचो यहां पर, तो ये इसका जो y कोऑर्डिनेट है 10 वो तो हमेशा हर जगह सेम रहेगा, गौर से देखो आप, x ही तो बदलेगा बस भाई, x ही तो बदलेगा। हाँ सर सही बात है, क्योंकि y इक्वल टू 10 लाइन है वो, अभी तो पीछे देखा था हमने, दिस इज व्हाट y इक्वल टू 10 लाइन, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 10 हमेशा रहने वाला है, x बदलेगा। सर यहाँ 0 है, और क्योंकि सर आप थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी एक मन से पॉइंट ले लो सर, 2 ले लो, 6 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 1.10 ले लो। अब मैंने एक पॉइंट ये लिया 1.10, अगर 1.10 इसको सेटिस्फाई करवा गया तो नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं करवाया तो ऊपर वाला होगा। चेक करके देख लेते हैं सर, तो 5 1 माइनस का 3 और ये 10 प्लस का 30, सर ये हो गया 5 माइनस का 30 और ये 30 है ना, ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या? हाँ सर ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 0 सच है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब कौन सा पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा फिनिश्ड। क्लियर ही बेटा कहानी, मतलब अल्टीमेटली अगर किसी ने ऐसा कुछ बोला है तो वो लाइन से नीचे का पूरा पोर्शन लेना चाह रहा है, वो सारे एक्स वाई लेना चाह रहा है जो उसको सेटिस्फाई करवा रहा है। तो आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि पॉइंट्स कैसे लें सर, पॉइंट कैसे लें, पॉइंट कैसे भी ले लो यार। पॉइंट तो कैसे भी ले लो, आपका मन है। जैसे देखो मैंने यहां पर पॉइंट लेने की एक तरकीब होती है, एक 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 सिनेरियो होता है चीजों को सोचने का, कि भाई अच्छा तुम यहां से भी ले सकते हो बेटा पॉइंट। जैसे तुम बोलो सर मैं वहां नहीं ले रहा, मैं यहां ले रहा हूं, तो एक्स लाइन बनाओ ऐसे एक, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी माइनस 6 तो हर बार फिक्स रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वाई थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे 1.2.2 ले लो। अब माइनस 6.2 चेक करके देखो इसको सेटिस्फाई करवा रहा है क्या, करवा रहा है तो अच्छी बात है। देखो 5 माइनस का 6 माइनस का 3 2 और प्लस 30, माइनस का 30 माइनस का 6 प्लस का 30 और तो माइनस का 6 ग्रेटर देन 0, फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन नहीं होगा भाई, ऊपर वाला पोर्शन नहीं होगा। क्लियर हुई कहानी, क्लियर हुई।
बेटा कहानी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे इतने कमजोर थोड़ी हो यार, कैसी बात कर रहे हो? आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे, थोड़ा बहुत तो लोड लेना सीखो माइंड पे, है ना? चलो भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं और मुझे आंसर चाहिए बेटा तुम लोगों के थ्रू, ठीक है? मैं तुम्हें ऑप्शन दे दूंगा, जल्दी मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर आपको दिया है बेटा 3x माइनस का 2y एंड दिस इज व्हाट लेस देन जीरो, है ना? अब आपको ये, चलो मैं पहला ऑप्शन दे देता हूं। एक पहला ऑप्शन आपको दिया है ये वाला पोर्शन नीचे वाला, सेकंड ऑप्शन ये वाला पोर्शन, थर्ड ऑप्शन ये वाला ऑप्शन नीचे वाला, फोर्थ ऑप्शन दिस ऑप्शन। चलो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना? जल्दी हाथों हाथ आंसर आना चाहिए, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, ध्यान रखना। हाथों हाथ आंसर आना चाहिए, जिस तरीके की स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं इससे हाथों हाथ आंसर आना चाहिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? सेलेक्ट द बेटर ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन, है ना? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जम नहीं कर रहे हो, मन से काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो, थ्री एक्स माइनस का टू वाई लेस देन जीरो है, तो सर सबसे पहले, सर आपने हमें बताया था कि सबसे पहले लाइन बनाओ कौन सी, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो वाली। इसका मतलब सर ये हो गया टू वाई इक्वल टू थ्री एक्स, और सर ये तो हमें हमें लाइन बहुत दिनों से आती है, ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ओके, अच्छा बेटा ये लाइन ऐसी बन गई, ठीक है सर। अब कोई मन से पॉइंट ले लो, जैसे आपने ये पॉइंट लिया 4.0, कुछ भी ले लो, 3.0, कुछ भी ले लो, मन से पॉइंट जो इसके बिलो वाला पोर्शन है। अब मैं 4.0 यहां सेटिस्फाई करवा के देखता हूँ, सेटिस्फाई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ऊपर वाला सेलेक्ट होगा। तो सर 3, 4 माइनस का 2 × 0 लेस देन जीरो, तो सर 12 लेस देन जीरो। ओहो सर ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, कभी 12 0 छोटा हो सकता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट नहीं होगा इस बार, मतलब ऊपर का पोर्शन आएगा ये वाला, और दिस इज वॉट वाई इक्वल टू, कौन सी है ये, 2y = 3x लाइन। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग, इतना तो अच्छे से जानते हैं आप। तो इस तरीके से बेटा आपका डी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? देखो थोड़ा सा किसी ने घुमाया और आप घूम गए यार, ऐसे थोड़ी बात बनेगी भाई, थोड़ा सा किसी ने आपको घुमाया और आप घूम गए। अरे महान आत्मा हो, ऐसा मत करो, इंजॉय करो कहानी को। अच्छा बेटा रुतुजा ने आज ही ज्वाइन किया, वेरी गुड बेटा, कोई दिक्कत नहीं रुतुजा, टेंशन मत लो, है ना? टेंशन मत लो, आराम से आंख बंद करके चीजों को फील करो और तोड़ो दे दनादन। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये चीज यूजफुल कैसे है, अब आदमी आपका किस तरीके से आपको बेवकूफ बना सकते हैं कोई भी आदमी, वो चीज दिखाता हूं आपको। एक जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने बेटा, एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला यहां पर कि फाइंड, समझना बात को, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 4x प्लस 5y माइनस का 20 लेस देन इक्वल टू जीरो। दो मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, ओके? तो फिर से ज्वाइन कर लेना बच्चे, फिर से ज्वाइन कर लेना, और तो क्या है। अच्छा भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर रीजन का कितना, मतलब ये जो चीज हम कर रहे हैं ना इसका कितना वेटेज है वो देखते हैं। तो सर यहां पर आपने तीन बातों पर काम करना है। सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे काम करेंगे हम, और साथ साथ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे करेंगे। पहले तो इनको देख लेते हैं। तो सर इनका मतलब ये हो गया बेटा, x इक्वल टू जीरो लाइन यही तो होती है, देखो
दिस इज वॉट योर एक्स इक्वल टू जीरो लाइन, तो जीरो से बड़ा मतलब पूरा राइट हैंड का पोर्शन, दिस इज वॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो लाइन मतलब वाई के जीरो का पोर्शन, तो अल्टीमेटली इन दोनों का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही तो हो गया पूरा, देखो आप गौर से ये रीजन आ गया मैंने अभी, लेकिन ये वाला लिया नहीं तो इसको बनाते हैं अच्छे सर, तो 4x प्लस का 5y इक्वल टू 20, ठीक है, इसको जैसे ही हम बनाएंगे तो एक बार देखते हैं, इसको बनाते हैं सर, चलो हो जाएगा एक मिनट में, तो ये लो सर, ये कौन सा पॉइंट है, जब y इक्वल टू जीरो लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 5,0, x इक्वल टू जीरो लेंगे तो 0,4, तो ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, लेकिन हम उन्होंने क्या दिया है हमें, कौन सा पोर्शन सेलेक्ट होगा नीचे वाला कि ऊपर वाला, उसने बोला है हमसे 4x प्लस 5y माइनस 20 लेस देन 0 बोला है, देखो ये वाला बोला है 4x प्लस 5y माइनस का 20 लेस देन 0, तो बेटा कौन सा पोर्शन आ गया क्लियरली आप गौर से देख लेना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 0,0 ही ले लो, इसको चेक करके देख लो नीचे वाला आएगा तो 0,0 डालेंगे तो माइनस का 20